कॉन्शियस माइंड इज वेरी वीक, इट इज ओनली 4% पार्ट ऑफ योर टोटल माइंड पावर, एंड सबकॉन्शियस इज वेरी स्ट्रांग, दैट इज 96%। जब आप गलती करते हो ना, कोई भी गलती करने लगते हो, तो एक लॉजिक माइंड कहता है कर ले देखी जाएगी, फायदा होगा। लेकिन सबकॉन्शियस जानता है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो एक हल्की सी आवाज अंदर से आती होगी कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हैव यू एक्सपीरियंस दैट और नॉट? अब जो मैंने कहा कि वाइब्रेशन से एनर्जी, एंड फ्रॉम एनर्जी इज द फिजिकल रियलिटी, द इंसिडेंट्स इन योर लाइफ, एंड द वाइब्रेशंस जो है वो कॉन्शियस माइंड से नहीं एमिट होती। योर कॉन्शियस माइंड डज नॉट एमिट दैट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, इट इज द सबकॉन्शियस। The conscious mind can tell lies and put up a wrong face, in a good face with a wrong intention. But subconscious will not do that. और vibration कौन पैदा करता है? तो vibration आपके चारों तरफ, if you are manipulating somebody, क्योंकि जो चोर होता है उसकी आंखें कुछ और होती हैं, उसकी चाल कुछ और होती है। कहते हैं ना पुराने टाइम में, एक्चुअल में क्या होता है कि वो सोचता है वो स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर की वाइब्रेशंस कह रही है कि तू पाप कर रहा है। और वो वाइब्रेशंस पाप की जब वो एमिट करेगा तो एनर्जी किसकी बनेगी? पाप की। और फिजिकल रियलिटी में क्या होगा? उसके जीवन में कष्ट आ जाएगा। किसी और ने नहीं पैदा किया। हम सोचते हैं किसी ने बुरा कह दिया, कुछ नहीं। सेल्फ, यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द सेल्फ। इसलिए वो लोग कहते ना भगवान देखता है, वो भगवान नहीं, तुम्हारा सेल्फ देख रहा है। अगर तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो, सेल्फ, और वो सेल्फ उसी समय, वो कहते ना जैसा कर्म वैसा भोग। तो वो जो कर्म है वो सेल्फ, वही भोग की तैयारी उसी समय, जैसे ही कर्म किया। एंड यू आर नॉट वन विद योर इनर वॉइस, तो वो भोग की तैयारी, दुख की तैयारी, कष्ट की तैयारी किसी ने और ने नहीं करी। इट इज द सेल्फ हु इज डूइंग।